नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी विद रहमान सर की क्लासेस, जिसमें हम पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में क्या खास है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेसिकली डिपेंडेंट है द्वीप, द्वीप समूह, प्रायद्वीप, अंतरीप, उपमहाद्वीप और महाद्वीप, इन सब में क्या डिफरेंस है, इन सब की क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्यों इनको अलग कहा जाता है और इनकी क्या विशेषताएं होती है, इन सभी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और हम आपको तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सबसे पहले देखते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो देखें, द्वीप को अंग्रेजी में कहते हैं हम आइसलैंड। इसके अलावा हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं द्वीप समूह। आपको सबसे पहले बता देते हैं हम वीडियो में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। द्वीप को पढ़ेंगे हम, द्वीप समूह को पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्ची पेडागोस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अंतरीप, अंतरीप का अध्ययन करेंगे हम। इसके अलावा हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप के बाद हम उपमहाद्वीप का अध्ययन करेंगे। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, क्या विशेषताएं होती है इसकी, और अंत में हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपका आज का होगा वो होगा महाद्वीप। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। विस्तार रूप से चर्चा करने से पहले हम इन सभी को समझ लेते हैं होता क्या है। अंतरीप को प्रोमोंटरी कहते हैं अंग्रेजी में, प्रोमोंटरी। प्रायद्वीप को अंग्रेजी में जो है पेनिनसुला कहते हैं, इनकी अंग्रेजी भी याद रख लीजिए आप, उससे कन्फ्यूज़न नहीं होता। सब कॉन्टिनेंट इसको कहते हैं, और महाद्वीप को तो आप सभी को पता है क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे द्वीप के बारे में। द्वीप किसको कहते हैं, देखिए समझिए इसको। विश्व में पाया जाने वाला वह स्थल खंड या वह भूभाग जिसके चारों ओर जलराशि मौजूद हो। अब वो जलराशि चाहे झील के रूप में मौजूद हो, चाहे सागर के रूप में मौजूद हो, चाहे नदी के रूप में मौजूद हो, चाहे महासागर के रूप में मौजूद हो। तो विश्व का ऐसा भूभाग, कोई भी भूभाग जिसके चारों ओर जलराशि इकट्ठी हो, उसको क्या कहते हैं, द्वीप। दूसरी भाषा में इसको टापू भी हम बोलते हैं, टापू है। विश्व के नक्शे में जो सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड है। इसके बाद हमको दिखाई देता है ये आपका पापुआ न्यू गिनी है, जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है। इसके बाद हमको दिखाई देता है ये बोर्नियो द्वीप है, सुमात्रा है, जावा है। इसके अलावा द्वीप समूह भारत के पास देखें तो हम श्रीलंका है भारत के पास, ये भी द्वीप है क्योंकि इसके चारों ओर भी पानी है। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप भी द्वीप है, द्वीप समूह है, हालांकि बहुत सारे द्वीप इसमें मौजूद है। अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह है, मेडागास्कर एक द्वीप है। इसके अलावा और हम बात करें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्यूबा, ये भी एक द्वीप है। ये दिखाई दे रहा है आपको न्यूफाउंडलैंड, ये भी एक द्वीप है। ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं आइसलैंड, ये भी एक द्वीप है। इसके अलावा ब्रिटेन खुद एक द्वीप है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था एक ज़माने में। इसके बाद इसके पास जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये भी एक द्वीप है। इसके अलावा विश्व के अन्य बड़े द्वीपों की बात करें तो बेफिन द्वीप है इसमें, बेफिन द्वीप, ये आर्कटिक महासागर में है कनाडा के जस्ट ऊपर। इसके बाद ये विक्टोरिया द्वीप है, इसके बाद एलिसमेरे द्वीप है। और अगर इधर बात की जाए तो विश्व का सबसे विकसित देश जो वर्तमान में कहा जाता है जिसको, जापान, ये भी द्वीप समूह है। इसमें मुख्यतः चार द्वीप है, हालांकि इसमें बहुत सारे द्वीप है, हजारों द्वीप है जापान में। तो ये इन सभी को हम द्वीप कहते हैं, समझ में आई बात। अब हम बात कर लेते हैं इनकी उत्पत्ति की, द्वीपों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो द्वीपों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत है, जिसमें सबसे पहले बात की जाए द्वीपों की उत्पत्ति होती है वो होती है विवर्तनिक कारणों से, विवर्तनिक कारणों से उत्पत्ति, यानी कि द्वीप कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्या है, विवर्तनिक कारण। विवर्तनिक कारणों से कैसे, आपने देखा होगा प्लेटें होती है, विश्व में
छह बड़ी प्लेटें हैं, 20 छोटी प्लेटें अब तक खोजी गई है। जब प्लेटें आपस में खिसकती है, एक किनारे से दूसरे किनारे आपस में टकराती है, तो टकराने के फलस्वरूप बहुत बड़ा स्थल भाग नीचे चला जाता है, बहुत बड़ा भाग ऊपर चला जाता है। उसमें से कुछ छितरे हुए भाग इधर से उधर चले जाते हैं, जिस वजह से कुछ भूभाग जल राशि के ऊपर आ जाते हैं, समुद्रों के ऊपर, सागरों के ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और वो छोटे छोटे टापुओं के रूप में रह जाते हैं। निखल चल, चाहे आप इसको प्लेटों के खिसकने के बारे में मान लीजिए, या फिर धरती में होने वाली हलचल के बारे में मान लीजिए, भूकंप विवर्तनिक हलचलों में ही है। दूसरा कारण क्या है? निक्षेप। निक्षेपों के फलस्वरूप भी जो है द्वीपों का निर्माण होता है। कैसे होता है निक्षेपों के फलस्वरूप? जैसे मान लीजिए एक नदी है, वो नदी विशाल मात्रा में जल तो लाती है, जल के साथ साथ लाखों करोड़ों टन मलबा अपने साथ ला करके समुद्रों में इकट्ठा करती रहती है। जब वो मलबा इकट्ठा होता 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 समुद्र तल के ऊपर उठने लगता है, समुद्र तल से ऊपर दिखाई देने लगता है, तो वहाँ भी एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो निक्षेपणात्मक द्वीप इस तरीके से होते हैं। कैसे? दोबारा समझिए, नदी जो होती है, या उल्कापिंड मान लीजिए, उल्कापिंड जो आसमान से गिरते हैं तो उनका मलबा मान लीजिए, या फिर समुद्री जीवों के निक्षेप मान लीजिए। समुद्री जीव जब मरते हैं तो उनकी हड्डियाँ, मांस वगैरह जो है, मांस तो जो है मछलियाँ खा जाती है या अन्य जानवर खा जाते हैं, हड्डियाँ वगैरह जो है वो जमती 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 जो है एक समुद्र तल से जब ऊपर आ जाती है तो एक द्वीप का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से द्वीप जो बनते हैं उनको निक्षेप के फलस्वरूप बने हुए द्वीप माना जाता है। अगला तीसरा कारण क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद उसमें काफ़ी सारी मात्रा में जो है लावा निकलता है। जब वो लावा समुद्र में निकलता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र के अंदर होता है, तो लावा कहाँ जाएगा? समुद्र के अंदर ही रहेगा। जब वो लावा बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो वो लावा ठंडा होते होते समुद्र तल के ऊपर दिखाई देने लगता है। इस तरीके के द्वीपों को हम जो है ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं। विवर्तनिक द्वीपों की बात की जाए तो जो है आपका श्रीलंका दिखाई दे रहा है, मेडागास्कर दिखाई दे रहा है, ये विवर्तनिक द्वीप के कुछ उदाहरण हैं। ज्वालामुखी द्वीपों के उदाहरण में आप समझ सकते हो इधर से जो है ये सारे जो द्वीप है आपको, ये छोटे छोटे द्वीप जो है ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। इसके अलावा ये पॉलीनेशिया, माइक्रोनेशिया में कुछ द्वीप है, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। इसके अलावा आप सबसे अच्छा उदाहरण जो इसका है, यहाँ पे कुछ द्वीप पाए जाते हैं जिनको हवाई द्वीप कहते हैं। हवाई द्वीप, यहाँ विश्व प्रसिद्ध एक बंदरगाह भी मौजूद है जो बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है वो? क्योंकि यहाँ से जाने वाले जहाज़ जो एशिया में जाते हैं उनको जो है आराम करने का या रिफ़्रेश होने का, या उनको जो है जहाज़ों में अगर ईंधन ख़त्म हो गया तो ईंधन प्रोवाइड करवाता है ये द्वीप। यहाँ पे एक बंदरगाह है, विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह, जिसका नाम है होनोलुलु बंदरगाह, तो याद रखिएगा ये। तो ये भी एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट द्वीप जो बनते हैं, प्रवाल निर्मित द्वीप। प्रवालों को आप जानते हैं, प्रवाल एक तरीके के जीव होते हैं, मूंगा जिसको बोलते हैं। ये प्रवाल जो है समुद्र में धीरे 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 इकट्ठे होते रहते हैं, उनकी हड्डियाँ जो है जमती रहती है, जमती 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 जो है एक विशाल रूप से समुद्र के ऊपर द्वीप का निर्माण कर देते हैं। आपने काफ़ी सारे द्वीप देखे होंगे इस तरीके के होते हैं। आप अगर इसको विस्तार रूप से देखना चाहते हैं तो लक्षद्वीप देखिए, आप लक्षद्वीप को जूम करके देखिए, आपको एटोल दिखाई देंगे काफ़ी सारे। वलयाकार प्रवाल भित्ति जिसको बोलते हैं, वो एटोल आपको प्रवाल भित्ति के रूप में यहाँ पर दिखाई देंगे। लक्षद्वीप आपका प्रवाल निर्मित द्वीप है। इसके अलावा बहुत से द्वीप हैं जो प्रवाल निर्मित होते हैं। बरमूडा एक आपका यहाँ पे द्वीप है, वो भी प्रवाल निर्मित द्वीप है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्ति यहाँ पे पाई जाती है आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी तरफ, जिसको विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, वहाँ भी आपको प्रवाल निर्मित द्वीप आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो द्वीपों की उत्पत्ति के बनते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं आगे कि द्वीप जो कितने प्रकार के होते हैं। द्वीपों के मुख्यतः दो प्रकार है, एक महासागरीय द्वीप और एक महाद्वीपीय द्वीप। कैसे? महासागरीय और महाद्वीपीय द्वीपों में इसको किस प्रकार से बांटा गया? देखिए, जो द्वीप महासागरीय प्लेटों से निर्मित होते हैं, जो द्वीप
महासागरीय प्लेटों से निर्मित होते हैं उनको महासागरीय द्वीप कहते हैं, और जो द्वीप महाद्वीपीय प्लेटों से निर्मित होते हैं उनको महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं, महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। कैसे? देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे आपको विश्व में दिखाई देता है ये वाला द्वीप ग्रीन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये ब्रिटेन है और ये है आइसलैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ये वाला जो द्वीप है ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। कौन सी प्लेट का? यूरेशियन प्लेट। जो यूरेशियन प्लेट है ये पूरी इस प्लेट का भाग है। तो ये वाला द्वीप को हम कहेंगे कौन सा द्वीप? इस द्वीप को हम कह देंगे महाद्वीपीय द्वीप। इसके अलावा ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला श्रीलंका दिखाई दे रहा है, अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं द्वीप, ये द्वीप है महासागरीय द्वीप। कौन से द्वीप है? महासागरीय। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पाई जाती है। प्लेट विवर्तनी के बारे में जब हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, तो उसके बारे में हम समझेंगे कौन कौन से प्लेट कहाँ कहाँ हैं। फिलहाल समझ लीजिए आप, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पाई जाती है जो एक महासागरीय प्लेट है, ना कि महाद्वीप है। तो ये उस महासागरीय प्लेट के आएंगे, तो ये जितने भी द्वीप दिखाई दे रहे हैं आपको ये कौन से द्वीप होंगे? महासागरीय द्वीप। अब हम देखते हैं विश्व में कुछ बड़े द्वीप है, टॉप फाइव द्वीपों को देख लेते हैं हम, कौन कौन से बड़े द्वीप विश्व में पाए जाते हैं। तो देखिए हम उनकी साइज़ के अनुसार उनको बांटेंगे। सबसे बड़ा द्वीप विश्व में, इस नक्शे में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो महाद्वीप नहीं है एकमात्र द्वीप ही है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीनलैंड। क्या नाम है उसका? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड कहाँ है? ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए तो उसका क्या नाम होगा? ग्रीनलैंड। कहाँ है वो? यहाँ। ग्रीनलैंड जो है दो महासागरों का मिलन स्थल भी है। कौन कौन से महासागर? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, और ऊपर आर्कटिक महासागर, इन दोनों के मध्य में ये द्वीप स्थित है। क्या नाम है इसका? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में थोड़ी सी एक आपको बात बता दूँ, ग्रीनलैंड महाद्वीप, ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये आता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन इस ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार जो है डेनमार्क का है। यहाँ डेनमार्क करके एक छोटा सा देश है, उस डेनमार्क का अधिकार है इस पे, डेनमार्क की राजनीति इस पे चलती है। और ये ज्योग्राफिकली रूप से किस में आता है? भौगोलिक दृष्टि से यह आता है उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, लेकिन राजनीतिक अधिकार किसका है? इसका, डेनमार्क का। ठीक है, दूसरे नंबर का द्वीप अगर हम देखें बड़ा द्वीपों में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये, इस द्वीप को कहते हैं हम पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है इसका? पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। इसका आधा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में आता है, आधा हिस्सा जो है भारत एशिया में आता है। इधर वाला हिस्सा जो है इसका पूर्वी हिस्सा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, और पश्चिमी हिस्सा जो है किस में आता है इसका? एशिया महाद्वीप में आता है। तीसरे सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया द्वीप। अब बोर्निया द्वीप कहाँ है? ये बोर्निया द्वीप के बारे में ध्यान रखना, ये बोर्निया द्वीप, ये बोर्निया जो द्वीप है, बोर्निया द्वीप, ये हमारा जो महाद्वीप है कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया द्वीप। विश्व में कौन सा नंबर पे? तीसरे नंबर पे। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है, लेकिन एशिया महाद्वीप का अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए आपसे कभी किसी कंपटीशन क्लासेस में, तो बोर्निया द्वीप है। बोर्निया द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके अलावा फिर चौथे नंबर पे अगर द्वीपों की बात की जाए, तो चौथा सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। मेडागास्कर की बात की जाए, तो इसमें भी अगर आपको पूछ लिया जाए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। पांचवें सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो बेफिन द्वीप। ये वाला जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये बेफिन द्वीप। ठीक है, इस तरीके से ये विश्व के टॉप फाइव द्वीप है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें, तो ग्रीनलैंड की साइज़ जो है 22 लाख वर्ग किलोमीटर,
इसकी साइज कितनी है? 22 लाख वर्ग किलोमीटर। पापुआ न्यूगिनी की साइज कितनी है? पापुआ न्यूगिनी नंबर दो पे है। पापुआ न्यूगिनी की साइज लगभग 8.785 लाख वर्ग किलोमीटर और इसकी कितनी है? 7.64 लाख वर्ग किलोमीटर। तो चौथे नंबर पर है मेडागास्कर। मेडागास्कर की जो है इसका क्षेत्रफल जो है 5.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। और आखिरी जो बेफिन द्वीप आपको जो दिखाई दे रहा है इसके इसका क्षेत्रफल जो है 5.03 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद बड़े द्वीपों की बात कर ले, छठे नंबर पे आता है आपका सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का भाग है। सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा के बाद आता है आपका होंशु द्वीप। कौन सा द्वीप है? होंशु द्वीप, ध्यान रखना, होंशु द्वीप, ये होंशु द्वीप है, ये सुमात्रा है। होंशु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी है, इसको राइस बाउल ऑफ जापान भी कहते हैं, चावल का कटोरा जापान का। ठीक है, इसके बाद अगले नंबर पर अगर बात की जाए तो होंशु के बाद जो आठवें नंबर पर द्वीप जो आता है वो आता है ब्रिटेन वाला। और नवे नंबर पर जो द्वीप आता है ये आता है नवे नंबर पर, इसका नाम है विक्टोरिया द्वीप। और दसवें नंबर पर जो द्वीप आता है ये आता है, ये भी कनाडा का भाग है, इसको कहते हैं एलेस मेरे द्वीप, एलेस मेरे। तो देखिए विश्व में ये सबसे बड़े द्वीप है, विश्व के टॉप 10 द्वीप है ये। हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं, पहले नंबर पे आपका ग्रीनलैंड है, दूसरे नंबर पर आपका पापुआ न्यू गिनी है, तीसरे नंबर पर आपका बोर्नियो द्वीप है, ध्यान रखना बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया महाद्वीप का। चौथे नंबर पर बात की जाए तो चौथे नंबर पर मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ध्यान रखना, अफ्रीका का भी कह सकते हैं इसको, अफ्रीका का पार्ट है। अफ्रीका का भी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। पाँचवें नंबर पर कौन सा द्वीप था? पाँचवें नंबर पर द्वीप है हमारा बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप पाँचवें नंबर पर है। छठे नंबर पर कौन सा है? सुमात्रा। सातवें नंबर पर कौन सा है? सातवें नंबर पर होंशु द्वीप जापान। आठवें नंबर पर कौन सा है? आठवें नंबर पर द्वीप है हमारा ब्रिटेन। नवे नंबर पर द्वीप है हमारा विक्टोरिया। और दसवें नंबर पर द्वीप है हमारा एलेस मेरे द्वीप। अब हम इनकी जो है स्थिति भी देख लेते हैं, कौन सा द्वीप कौन से महाद्वीप में है और कौन से महासागर में है। तो देखिए ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और महासागर कौन सा है? महासागर इसमें दो है, अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर, और दूसरा कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इन दोनों के मिलन स्थल पर है। पापुआ न्यू गिनी पूर्ण रूप से किस में है? प्रशांत महासागर में। और अगर इसको डीपली पढ़ना चाहें तो पापुआ न्यू गिनी दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो ये भी प्रशांत महासागर में है, मध्य प्रशांत में, जो है ग्रीनविच सॉरी भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच में से निकलती है। प्रशांत महासागर सॉरी मेडागास्कर, मेडागास्कर कौन से में? हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। अच्छा इसकी बात की जाए तो ये इंडो ऑस्ट्रेलिया दोनों में आता है, ओशिनिया कह सकते हैं इसको, ओशिनिया महाद्वीप में है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर ओशिनिया बनते हैं, तो ये ओशिनिया में है। बोर्नियो पूर्ण रूप से एशिया में है। ये मेडागास्कर हिंद महासागर और अफ्रीका में है महाद्वीप। बेफिन द्वीप आपका जो है उत्तरी सॉरी ये अटलांटिक में है, अटलांटिक महासागर में, और उत्तरी अमेरिका है महाद्वीप। सुमात्रा जो है ये हिंद महासागर का है, और ये सुमात्रा भी एशिया में है। होंशु द्वीप, होंशु द्वीप प्रशांत महासागर में है, जापान का पार्ट है, ध्यान रखना है, और ये भी एशिया में है। ब्रिटेन,
ब्रिटेन जो है अटलांटिक महासागर में है, या अंदीप कह सकते हैं इसको, और यह है यूरोप में। ध्यान रखिए यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है ये ब्रिटेन, यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ब्रिटेन। और विक्टोरिया और एलेसमेरे ये दोनों आर्कटिक महासागर में हैं, आर्कटिक और आर्कटिक, और उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इस तरीके से दोस्तों ये विश्व के 10 बड़े द्वीप हैं, इनका क्षेत्रफल हमने यहाँ लिख दिया है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर ग्रीनलैंड का है, पापुआ न्यू गिनी 7.85 लाख वर्ग किलोमीटर, बोर्नियो इसके बाद 7.64 लाख वर्ग किलोमीटर, मेडागास्कर जो है 5.87 लाख, और